दो चीजें मैंने इन सड़कों पे सुनी जो मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं। काफी चीजें मैंने उनको बताई हैं, मगर ये दो चीजें मुझे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण लगी। पहली चीज ये कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो ट्राइबल बिल में उनको हक दिया गया है, जमीन का जो हक दिया गया है, उसको राजस्थान की सरकार जल्दी से जल्दी 100% इंप्लीमेंट करके दिखा दे। आदिवासियों के बारे में मैंने कहा, भाषण में कहा कि बीजेपी आपसे कहती है कि आप वनवासी हो, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो, और इसीलिए यह काम, यह आपका हक है, और यह काम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बाकी देश में कर देना चाहिए। बिल बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को फायदा मिला, मगर लोग अभी छूट गए हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। और दूसरी बात, 21वीं सदी में जिसको हम गिग वर्कर कहते हैं, जो उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, जोमाटो के लिए काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। जो सरकार में काम करता है उसे सरकार पेंशन देती है, उसकी रक्षा करती है, मगर जो लाखों लोग, करोड़ों लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका कोई सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, उनका कोई पेंशन का सिस्टम नहीं है, उनका कोई उनको उनकी रक्षा नहीं होती है, तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उनके लिए सरकार एक तरीका निकाले कि उनकी भी रक्षा हो, उनको पेंशन जैसे सुविधाएं मिले, और जो लोग उनके काम का फायदा उठाएं उनको भी फायदा मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।